सर क्या मामला था? एक शिकायत मिली थी DCW से जिसके अंदर देवी देवताओं के चित्र को लेकर, क्या मामला? हमें 29 अक्टूबर को ईमेल के माध्यम से DCW दिल्ली से एक शिकायत मिली कि कोई राहुल कुमार नाम का व्यक्ति हमारे हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र है वो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको बेच रहा है। तो जैसे ही हमें शिकायत मिली तुरंत हमने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और हमारे IT एक्ट की धारा 67A के तहत मुकदमा दर्ज किया और हमने इसके विभिन्न पहलुओं पे गहन जांच पड़ताल शुरू की। तो हमें पाया कि ये कंप्लेंट जो DCW को मिली है वो एक अपूर्व वर्मा ने दी है। तो हमने एक टीम लगाई वो कंप्लेनेंट को ट्रेस करे और उसकी पूरी उससे हम जानकारी लें कि भाई क्या मसला है, वो कहाँ से इस कंटेंट के संपर्क में आया। और हमने एक टीम लगाई जो उसमें राहुल कुमार की जानकारी दी थी, तो पूरी की राहुल कुमार की जानकारी जो उनके बैंक अकाउंट थे, जो उनका मोबाइल नंबर था, उसकी जांच करें कि भाई ये कहाँ है, इनको लोकेट करें। और तीसरी हमारी एक टीम थी, टेक्निकल टीम थी, जो कि रही कि ये जो वेरियस प्लेटफॉर्म पे जो इन्होंने पोस्ट की है उनकी जांच पड़ताल करें और वेरियस प्लेटफॉर्म से उसके हम लोग डाटा लें कि ये कहाँ से पोस्ट हो रहे हैं, किस जगह से, किस IP एड्रेस से। तो हमारी जो कोशिश है 24 घंटे में रंग लेके आई। हमने राहुल को तुरंत लोकेट किया, राहुल को जब लेके आए तो ये पता चला कि जो भी कंटेंट है उसमें डिटेल्स तो राहुल की है लेकिन किसी भी कंटेंट में राहुल की कोई ID यूज नहीं हुई। मतलब ना तो राहुल का कोई मोबाइल फोन यूज हुआ, ना तो राहुल के कोई डेस्कटॉप यूज हुआ, ना कोई उसका लैपटॉप यूज किया। तो हमने उससे पूछताछ करके उसे छोड़ा और उसे कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी उसे बुलाएंगे। फिर जो हमारी टीम अपूर्व वर्मा को ढूंढ रही थी, हम अपूर्व वर्मा को ट्रेस नहीं कर पाए। फिर हमने इसमें जो मेटा के ऑफिशियल्स हैं उनसे मदद ली, उन्होंने हमें जानकारी प्रोवाइड, टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड की। उस आधार पे हमें पता चला कि ये जिन भी डिवाइसेस से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सारे डिवाइसेस उत्तरांचल से, उत्तरांचल में रुड़की के आसपास से ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमारी एक टीम वहाँ गई और वहाँ से जो मुख्य आरोपी है हमारा आदर्श सैनी, उसको हम लेके आए। ये एक 20 साल का लड़का है, BBA इसने कर रखा है। ये 2020 से गेमिंग में था, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म में अपना गेम खेलता था। फिर इसे जब ये रियलाइज हुआ कि गेमिंग प्लेटफॉर्म में ये इंटरमीडियरी बनके ये पैसे भी कमा सकता है, तो इसने अपना एक द फ्री फायर टॉपअप .com एक वेबसाइट खोल के उसमें ये गेमिंग का अपना इंटरमीडियरी की तरह काम करने लगा, जिसमें ये महीने के 4 से 5 लाख रुपए इसकी टोटल ग्रॉस इनकम थी। फिर क्या हुआ, जो राहुल कुमार नाम का आदमी था वो भी इसी तरीके के बिजनेस में अलग अलग वेबसाइट में ये लोग काम करते थे। तो राहुल ने देखा कि जो ये फ्री फायर टॉपअप .com है वो अच्छा बिजनेस करती है, तो उसने इससे मिलती जुलती एक साइट बनाई। और उसकी साइट बनने के बाद, वो 2-3 महीने पहले साइट बनाई थी, तो आदर्श का जो रेवेन्यू है वो कम होता गया और राहुल का रेवेन्यू बढ़ता गया। फिर जो आदर्श की वेबसाइट थी फ्री फायर टॉपअप .com उस पर अगेंस्ट किसी अनजान व्यक्ति ने रजिस्ट्रार को कंप्लेंट की, जिसके कारण उसकी वेबसाइट बंद हो गई। तो आदर्श को लगा ये काम शायद राहुल ने किया है, तो उसने राहुल से बदला लेने की सोची और 20 अक्टूबर को ये कंटेंट उसने सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म पे डाला। इसमें अजीब बात यह है कि जब उसने ये कंटेंट डाल दिया, फिर उसने खुद ही एक फेक नेम अपूर्व वर्मा के नाम से कंप्लेंट की कि ये राहुल नाम का व्यक्ति जिसकी डिटेल ये है, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे देवी देवताओं के असली चित्र वितरित कर रहा है। उसे लगा कि इस तरीके के करने से राहुल हमारे पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और वो अपना काम पुनः से स्थापित कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो असली कल्प्रिट है उसे पकड़ा है और अभी तक हमारे इसमें यही सामने आया है कि ये एक पर्सनल एनिमोसिटी का एंगल है और हम अन्य पहलुओं पर अभी जाँच कर रहे हैं।